मेरा नाम बीना सराफ है। भागवत कथा बहुत रमणीय, इतना मन लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, और हम तो चाहते हैं गुरुजी का इस तरह से हर साल ऐसा आशीर्वाद मिलता रहे हम लोगों को, और एक बार भी हम लोग को झपकी नहीं आती, उबासी नहीं आती, और एकदम हम लोग खो जाते हैं एकदम। बहुत अच्छा लगता है उनकी एक एक वाक्य एकदम गूंजते हैं माथे में, और घर भी जाके हम लोग उसको बात चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कथा हो रही है। मैं इस कथा में प्रथम दिन से आ रही हूँ और मेरे को ये कथा बहुत अच्छी लगती है। मेरे को लगता है कि इस कथा में गंगा में मैं बह जाऊँ। इनका मैं कटिहार से आया हूँ और आज छठे दिन की कथा थी। बहुत ही आनंद आया महाराज जी के मुख से कथा सुन के, और बहुत नई नई बातों की जानकारी मिली और बहुत ही आनंद आया। और बहुत बहुत जय हो। हम लोग तो इसमें स्नान कर रहे, नहा रहे, गोता लगा रहे हैं, डूबे हुए हैं, कल लास्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है चलता जाए, सुनते जाए। और अनुराग शास्त्री जी बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत उनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आपका परिचय? मैं विशेष डॉक्टर बीएल चौधरी, आई स्पेशलिस्ट। परिचय दे, और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, पहली बार इतना मजा आया है भागवत में। कैसा रहता है जब आप अंदर पंडाल में बैठे? बहुत मजा आता है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के बारे में, उनके कथा के बारे? बहुत अच्छे हैं, उनकी कथा बहुत अच्छी है। जय श्री कृष्णा। हम भागवत में आए हैं, हम मिक्कू की नानी माँ लगते हैं, और हम लोग भागवत में कटिहार से आए हैं। बहुत आनंद आ रहा है और गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ हम लोग समझ रहे हैं, और आने से पूरे परिवार से मिले हैं, वो भागवत जी की कथा सुनने के लिए मिल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरा है आशीर्वाद है यजमान पे, सब पे आशीर्वाद बना रहे। लग रहा है यहाँ आके भक्ति में लग रहा है। गुरु जी की वाणी बहुत मीठी है, सराबोर कर देती है भक्ति से, और बहुत ही आनंद आता है हमें उनकी कथा सुनकर। आपका परिचय? खुशबू गोइंका। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर भागवत कथा हो रही है। ये मेरी ननद का घर है, कटिहार से आई हूँ। मतलब जब 4 घंटा कथा स्थल पर रहते पंडाल में, कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिलता है सुन के, लगता है यहाँ पर ही बैठी रहूं, करती सुनती रहूं, बस बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब जब पंडाल में रहती है 4 से 5 घंटा तक, तो कैसा महसूस करती? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है जैसे मतलब अमृत की गंगा बह रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका परिचय? मेरा वर्षा चिरानिया। बहुत अच्छा लग रहा है, अमृत बरस रहा है, बहुत सुंदर। जब 4 घंटा 5 घंटा रहते हैं पंडाल के अंदर, कैसा महसूस करते हैं? पता ही नहीं चलता है कि समय बीत रहा है, इतना आनंद आ रहा है। आपका परिचय? आपका नाम? मंजू। आपका क्या नाम हुआ? नीलम वर्मा। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा कि कभी विश्राम दे महाराज जी का। बहुत अच्छा, ऐसा आज तक कभी नहीं सुने थे, जितनी बात ये बता रहे हैं रहस्य की गुड बात, वो कभी आज तक नहीं सुने थे। मेरा सुशीला मांडिया। कैसा लगता है? इतना आनंद आ रहा है कि घर की याद ही नहीं आ रही है, लगता है कि यहीं पर रहे, गुरु जी को छोड़े ही नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, हर्ष उल्लास के साथ एकदम। गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं हम लोग को, उनको लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में लेने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और बहुत अच्छा लग रहा है, नौगछिया में हो रहा है, इतनी ठंड है उसके बावजूद इतने आदमी आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे लग रहा है कोई तीर्थ है, वैसा ही महसूस हो रहा है, वैसा ही मेला लगा हुआ है। गुरु जी की वाणी भी उतनी मिठास है कि पता ही नहीं चलता है कि इतने घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है दोबारा गुरु जी को फिर बुलाने का मौका मिलने का है, क्योंकि सारे मन में, सबके मन में ये बस गए हैं जी। ऐसे हैं, इनकी वाणी इतनी मीठी है कि सारे नौगछिया को मुंह लिए और ये धरती पावन हो गई है। बस ये हम यही कहना चाहेंगे, इनको दोबारा फिर बुलाया जाए, अभी तो गए भी नहीं है, दोबारा आने की मतलब आशा करते हैं। बाल भारती की पावन भूमि जो है धन धान हो गई है, ये जो है यहाँ की मिट्टी जो है बहुत प्रफुल्लित हो गई है इनके आने से।
राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। मैं केशव सराफ नवगछिया से, और आपको लगातार लाइव पे देखने मिल रहा है, आकर के यहाँ दर्शन कर रहे हैं आप लोग को भी देखने मिल रहा है, और हम लोग भी ये चीज महसूस कर रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं। आज तक ऐसी भागवत कथा नवगछिया प्रांगण में मेरे ख्याल से नहीं हुई है। इनकी एक शैली लोगों को समझ में आती है, जो मैंने शुरू के दिन में भी बोला था कि शायद जो भी आए वो जो एक बार बैठे दोबारा उठ के ना जाएं। और अभी हमारे पंडाल में वही हो रहा है। ये अभी इतना ठंड है, कुहासा इतना है, उसमें भी अभी हमारे 8:15 बज रहे, अभी भी हमारे यहाँ भीड़ है 500-600 लोगों की। हम लोग इतना लोग आ रहे हैं, हम लोग प्रसाद हम लोग का नहीं बट पा रहा है बढ़िया से। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, सिरानिया परिवार और सराफ परिवार जी ने जो अभी जो है कार्यक्रम किया है, ये सफल कार्यक्रम रहा उनको, इनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं नगर वासियों से यही अपील करूंगा, इसी तरह का पुण्य का काम करते रहे और पुण्य के भागी बनते रहे, और राधे राधे जपते रहे। राधे राधे। सराफ परिवार से हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। आपका नाम? प्राची सराफ। 4-5 घंटा आप पंडाल में रहते, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं, इतना आनंद आ रहा है कि फर्स्ट दिन से लगातार आते ही जा रहे हैं। शुरू के दिनों से आप कथा में आ रही, बहुत अच्छा लग रहा वृंदावन पूरा यहाँ पर चल के आ गया है। भजनों की गंगा में से अनुराग शास्त्री जी द्वारा हम लोग डुबकी लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कथा में पूरी समय कैसे? पहले तो एक बार प्रेम से सब बोलिए, राधे राधे। देखिए इस ठंड के मौसम में ठंड का आनंद लेते हुए हम लोग श्री भागवत जी की गंगा मई इस पानी में हम लोग स्नान किए हैं, और हम लोग इसका भरपूर आनंद लिए हैं। और देखिए देखते ही देखते 6 दिन की कथा पूर्ण हो गई है, और कल का अंतिम दिन जिसमें हम पूरी भागवत का एक साथ सब लोग स्मरण करेंगे और उसका रसपान करेंगे। मैं सब आशा करती हूँ कि जिनसे जिनकी भी भागवत छूटी है, एक दिन की भी छूटी है, चाहे एक श्लोक की भी छूटी है, वो कल आए और पूरी की पूरी भागवत का एक साथ रसपान करें। राधे राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है टारती। मैं राहुल खेतान नवगछिया से। भागवत जो हमारे नवगछिया में हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। हम तो सीधा बोलेंगे इस कार्यक्रम में आइए, और जो हमारे प्रभु जी आए हुए हैं अनुराग कृष्ण शास्त्री जी, उनके भजनों में उनका भागवत सुन के आप लाभ उठाएं। राधे राधे। डॉक्टर अशोक पुजार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, और स्वास्थ्य गर्भ रहते भी जो है महाराज जी इतना अच्छा मतलब प्रवचन दिए, उसका कुछ जवाब नहीं है।